ସାଇବର ଠକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିବା ସୁନା ସଂସାରକୁ। ଅନଲାଇନ୍ ବନ୍ଧୁ ଛଳନା କରି ଠକି ନେଇଗଲା 1,70,000 ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାଗରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତିନି ତଲାକ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କୁସିଆପଳା ପଞ୍ଚାୟତ ବାବୁରାମ ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ। ଗତ ମାସରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିବାହିତା ମହିଳା ଜମରନ ବିବି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରବି ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ। ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରବି ଶର୍ମା ଜମରନ ବିବିଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି କହି ନେକ୍ଲେସ୍, ଫ୍ରିଜ୍, ଆଇଫୋନ୍, ଏସି ଭଳି ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ କୋରିଅରରେ ପଠାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲା। ସେ ଉପହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଜମରନଙ୍କୁ କୋରିଅର ଚାର୍ଜ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା। ଜମରନ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ 1,70,000 ଟଙ୍କା ରବି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବା ପରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କି ଗିଫ୍ଟ ନ ଆସିବାରୁ ସେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରି ଠକ ରବି ଶର୍ମା ନାମରେ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଦର ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଜମରନ ବିବି ଅର୍ ମେରା ସସରା ରୋତେ ଆଟ ବାବରମ ପାଟନା ପୋଷ୍ଟ କୋସିଆପାଲ ବ୍ଲକ ଡେରାବିଶି ମେ ସାଇବର କେସ କେ ଇସକି ୱଜହ ସେ ମୁଝେ ଫସାଏ ଯା ରହା ହେ ଅର୍ ମେରି 1.5 ଲକ୍ଷ ରୁପେ ଯା ଚୁକି ହେ ଅଲରେଡି ତ ମେରା ଘରୱାଲେ କା ବି ନହିଁ ଥା ମେରା ଘରୱାଲେ ନେ ମୁଝେ 4 ମହିନେ ସେ ପଇସା ବି ନହିଁ ଦିଆ ଅର୍ ମୁଝେ ଅର୍ ପରେଶାନ ଉପର ସେ ଏହି କର ରହା ହେ ତ ମୁଝେ ତଙ୍ଗ ବାର ବାର ତଙ୍ଗ କରନେ କେ ୱଜହ ସେ ବୋଲତା ହେ ତୁ ମେରି 1.5 ଲକ୍ଷ ରୁପେ ଲା କର ଦେ ଲେକିନ ଉସକି ପଇସେ ନହିଁ ହେ ଉନ୍ହେ 4 ମହିନେ ସେ ମୁଝେ ପଇସା ନହିଁ ଦିଆ ତ ମେନେ ଦୁସରେ ସେ କର୍ଜ କରି ହୁଁ ତ ମେରା ମେରା ଘରୱାଲା ଏସେ ବତା ରହା ହେ କି ଜୋ ନେ ତୁନେ ପଇସେ ଲିଏ ହେ ତୁଝା ଘର ପେ ପିଟ କରା ଉସକୁ तो मैंने बोली कि जो मेरी पैसे गई है तो तुम इसकी फिक्र मत करो कि तुम्हें आ जाएगा। इसकी वजह से मैंने कानून की हेल्प ली लेकिन मेरी तो सुना ही नहीं है। नहीं सुना तो मेरे को ऐसे बता रहा है कि तुम वो तो उसके पास में जाएगी, फेसबुक वाला बुला रहा है, ऐसा करता है, फेसबुक वाले को बोलता है तू तेरे लिए मेरी मिसेस रह नहीं सकती है, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बात कर रहा है, मेरे भाई के साथ में लगा रहा है, पापा के साथ में लगा रहा है, कोई आते तो गेस्ट उसके साथ में मुझे लगा दे रहे हैं और लड़के लोग को नंबर सब दे रहे हैं। अब बताओ मुझे जो डिवोर्स दिया है मैं तो इस वजह से ऑलरेडी तो मैं उसकी पैसे नहीं दी हूँ लेकिन मैंने जो जमा करके रखी थी मेरी जीवनी जो मैंने बनाई थी बैंक में डाली हूँ इसकी वजह से मुझे और परेशान कर रहा है तो बोलता है तू सुसाइड कर ले, रस्सी लगा ले, काली मुँह कर ले। अब बताओ मैं कैसे जीऊँगी इसकी। और तो मेरे 2006 पे हुआ है, 18 साल हो गया है मेरी शादी को। मेरा लड़का जब 17 हफ्ते का था मेरा डिलीवरी मेरे को किरासिन डाल के जला दिया, बोला कि ऐसे मैं रखना नहीं चाहता तुझे, तू हट जा, ऐसे कर ऐसे कर। मैंने यार क्यों कैसे करते हो तो मेरी बात को कोई, और उसके घर वाले भी मुझे बहुत जुल्म करते हैं, बहुत मारपीट करते हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। तो मैं इसकी वजह से तंग आने की वजह से और एक मैं तो साइबर केस की उसकी वजह और दूसरी ये मेरे घर वाला, तो मैंने बोली कि तुम डिवोर्स क्यों दे रहे, अगर तू नहीं जाती तो मैं तेरे को डिवोर्स देता हूँ। शेख राजीत बाबू मुझे फ़ोन से दिया है, लाउड स्पीकर लगा दिया है, पहले गंदी गंदी लफ्ज़ों में गाली बका है तो फिर बात में बता रहे तू चरित्रहीन है, तू फेसबुक वाले के पास में जाएगी। तो 15 साल का मेरा लड़का है उसको ऐसे बता रहा है कि तू मम्मी से अपना ढेला मार के सर काल फटा दे और उसको निकाल दे। तो अब बताओ मैं क्या करूँ, इधर तो एक प्रॉब्लम इसकी है, दूसरी पति की प्रॉब्लम है। तो मेरी वजह से जब भी जिसने मेरे को डिवोर्स दिया है मैंने जब बोली कि मुझे डिवोर्स क्यों दे रहे हो, बोलता तेरे जैसे चरित्रहीन मुझे नहीं चाहिए, भले मुझे 28 साल में जेल में लग जाऊँ। जिस दिन ने मेरे को 1 तारीख के दिन डिवोर्स दिया है उसके भाई की बीवी और एक भाई की बीवी तो मेरे को मारने लगे दोनों, पूरा भिड़ गए, बोले तेरे लिए हम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, रात दिन कचर कचर। मैं बोली घर वजह घर वालों की वजह से हो रही है, तो बोलती घर वालों की नाम मत लेना नहीं तो तुझे बहुत मार पड़ेगी। मेरा पति है और मेरे घर की दीरानी दो हैं, उनकी वजह से मैं झगड़ा तो मेरे पति का मेरा था लेकिन घर वालों की क्या वजह थी, उन लोग क्यों निकले। अभी मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जो मुझे डिवोर्स दिया है मेरे 4 बच्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उनकी परवरिश कैसी होगी, उन्हें कौन देखेगा। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜମରନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜମରନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶେଖ ରାଜୀବ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଭଳି କାମ ଦ୍ୱାରା ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କା ଠକେଇରେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଜାଣି ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଫୋନ୍ କରି ଶ୍ରୀ ଜମରନଙ୍କୁ 3 ତଲାକ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଖ ରାଜୀବ ଓ ଜମରନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେବଳ ଏହି ସାଇବର ଠକ ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜମରନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେଟା ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ମିଶୁନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତଲାକ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ଜମରନ ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀ ଶେଖ ରାଜୀବଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।